माय चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैं गर्ल्स पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी सिंपली। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है वाइट। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है अच्छे से। अब इसकी मैं मेज़रमेंट लूँगी यहाँ पर, तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से रखूँगी मैं इसकी कमर 10 इंच पे। तो 10 इंच पे मैं इसको इस तरह से निशान लगा दूँ। इसके बाद यहाँ पे क्रोच एरिया को निशान लगाऊंगी मैं। तो क्रोच एरिया को यहाँ पे मैं लगाऊंगी 10 इंच पे निशान, इस तरह से 10 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से क्रोच एरिया रखूँगी मैं इस तरह से 12 इंच पे। तो 12 इंच पे यहाँ पे 2 इंच इस तरह से आगे से एक्स्ट्रा रखते हुए मैं इसको निशान लगा दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर हल्का सा इसमें कर्व दे दूँगी इस तरीके से। तो मैंने ये इसमें कर्व दे दिया है हल्का सा। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसकी लेंथ रख लूँगी। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखते हो, तो इसकी लेंथ रखूँगी मैं यहाँ पे 33 इंच पे। तो 33 इंच पे मैंने इसका इस तरह से फुल लेंथ रख ली है। अब इसके बाद नीचे से रखूँगी मैं इसको 10 इंच पे। तो 10 इंच पे मैं इसको निशान लगा दूँगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे निशान लगाऊँगी इसमें 3 इंच पे। तो इधर से मैंने इसको इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा दिया है एक्स्ट्रा ही। अब इसके बाद यहाँ से जो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है यहीं से रखना है इसको इस तरीके से। यहाँ पे 24 इंच पर रख लिया है इंच टेप को, ऊपर से मिलाते हुए नीचे से यहाँ पे मैंने इसको 3 इंच पर रख लिया है, इस तरह से निशान लगा दिया है। इसके बाद इधर से मैं इसको निशान लगा दूँगी हल्की हल्की सी कर्व से। हमें आपको निशान लगा देना है, अगर आपके पास से पंटी है उसे भी आप निशान लगा सकते हो। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो ये एक्स्ट्रा हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जो ये ऊपर वाली साइड है बिल्कुल यहाँ से मैंने इसको निशान लगा दिया है। सीधा आपको कट करना है और इधर से बराबर साइड से बिल्कुल मिलाते हुए कट करना है। अब इसके बाद नीचे से यहाँ पे जैसे कि फोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा करूँगी, नहीं तो इसमें झोल पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से फोल्ड में जाएगा। तो नीचे से जैसे फोल्ड करूँगी तो 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है फोल्ड वाले पार्ट को। यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, तो जो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है ये फोल्ड में चला जाएगा। उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है जहाँ पे भी निशान लगाया था वहीं से। तो इसके मैंने यहाँ पे सिंपली 4 पार्ट बना लिए हैं। 2 पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करके मिलाते हुए इस तरह से क्रोच एरिया को स्टिच कर दूँगी मैं। तो यहाँ से मैंने क्रोच एरिया को स्टिच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बेल्ट पट्टी को ऑलरेडी कट करके रख लिया है। इस तरीके से मैंने 2 बेल्ट पट्टी कटिंग कर ली। बेल्ट की लेंथ ली है यहाँ पे मैंने 20 इंच पे, इस तरह से पैंट के अकॉर्डिंग मैंने ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ ले ली है मैंने 4 इंच पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने जो पैंट का पार्ट ले लिया है इस तरीके से, तो इसको ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूँगी। उल्टे की साइड पर मैं इसको रख लूँगी, जो मैंने पट्टी ली है बेल्ट वाली उल्टे की साइड पर रखते हुए इसको मैं स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्टिच लगा दी है, सीधा रख लिया है। इसके बाद इसको मैं इस तरह से हल्का सा अंदर फोल्ड करूँगी बारीक सा, और इसके बाद ऊपर को इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधे की साइड पे पूरे को मैं इसको स्टिच लगा दूँगी किनारे किनारे पे, और एक स्टिचिंग मैं ऊपर लगा दूँगी हाफ इसके मार्जिन से। तो यहाँ पर मैंने इसको नीचे किनारे पर स्टिच लगा दी है, ऊपर मैंने स्टिच लगा दी है हाफ इसका मार्जिन रखते हुए। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहने वाला है। ये मैंने इलास्टिक ले ली है, इलास्टिक की लेंथ ली है यहाँ पे मैंने 12 इंच पे इस तरह से। अब इलास्टिक को मैं इसमें ऐड करूँगी हेयरपिन की हेल्प से। तो इस तरह से इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैंने इलास्टिक इस तरीके से ऐड कर दी है। अब इसको मैं बीच में एक स्टिचिंग लगा लूँगी, पहले दोनों साइडों से पक्का करते हुए बीचों बीच में इसको खींचते हुए एक स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इस तरह से खींचते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा दी है। तो बैक वाला पार्ट हमारा पैंट का जो है ये रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। इसको मैंने बेल्ट लगा दी है सिंपली इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर रखते हुए मैं इसको इस तरीके से स्टिच लगाऊंगी। तो सिंपली यहाँ से बराबर साइड से मैं इसको स्टिच लगा दूँगी, बराबर रखते हुए दोनों पार्ट को इस तरीके से। तो नीचे तक के मैं इसको स्टिच कर दूँगी। इसके बाद दूसरी साइड से भी बराबर रखते हुए दोनों पार्ट को, इधर से भी मैं इसको नीचे तक के स्टिच लगा दूँगी। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है तो इधर से मैं इसको बैंड कर दूँगी क्रोच एरिया वाले पार्ट को, इधर की साइड से भी। तो मैं इसको इस तरह से दोनों क्रोच एरिया को मिला के रखूँगी, और इधर से भी इसको मैं नीचे तक के इस तरह से बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्टिच लगा दी है, दूसरी साइड पर भी लगा दी है स्टिच, और जो यहाँ से भी मैंने इसको पूरे को बंद कर दिया है। इसके बाद मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ से इसकी मोरी को फोल्ड करूँगी मैं इस तरह से, 2 इंच का मैंने रखा था एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से मैं इसको अंदर बारीक सा फोल्ड कर लूँगी, और इसके बाद सिंपली मैं इसको किनारे किनारे पे स्टिच लगा दूँगी इस तरह से 2 इंच का फोल्ड करते हुए। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैंट जो है हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपली यहाँ पर गर्ल्स पैंट हमारी बन करके तैयार हो गई।
मैंने जो पॉकेट वाली जो बॉयज पैंट होती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये आपको पैंट बताई है गर्ल्स की, सिंपली जो ट्राउज़र भी आप इसको बोल सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।